जय श्री राम सभी भाइयों को, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। और भाई आज का वीडियो होने वाला है दो हेलमेटों के बीच कंपैरिजन, जो कि अपने अपने सेगमेंट में सबसे बढ़िया हेलमेट है। ये 5000 का हेलमेट आता है और ये 2000 का आपको लगभग ऑफर लगा के मिल जाता है फ्लिपकार्ट पे। और अगर मैं सबसे पहले बात बता दूं ये वाले हेलमेट की, तो ये है भाई वेगा का ब्लैक पैंथर एडिशन। और इसमें आप लोग देख सकते हैं पूरी ब्लैक पैंथर की ग्राफिक्स दी हुई हैं, जो कि भाई इस हेलमेट को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती हैं इस सेगमेंट में, क्योंकि और किसी भी हेलमेट में इतना मतलब ग्राफिक्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और इसमें अगर मैं सेकंड चीज़ बता दूं, तो इसमें भाई स्पॉयलर वगैरह भी आपको देते हैं। और इसमें पर एक अगर इसका डीमेरिट मैं बताऊँ, तो इसमें एंटी फॉग वाइजर नहीं मिलता है, जो कि भाई 2100 रुपये में भाई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि भाई 2100 में 1100 का एंटी फॉग वाइजर कैसे दे देंगे वो लोग, आप ही लोग सोचिए। और भाई सेकंड चीज इसमें मैं बता दूं मेरिट इसकी, तो इसमें दिया हुआ है स्पॉइलर। और भाई ये काफी ज्यादा इसको अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि ये फिर जब आप पीछे से देखते हैं लोग, तो इसको भाई काफ़ी अच्छा हेलमेट समझते हैं। और दूसरी चीज़ ये एरोडायनेमिक करने में हेल्प करता है, तो ये भी एक इसका मेरिट है। और तीसरी चीज़ अगर मैं बता दूं, तो इसमें भाई इसकी जो ग्राफिक्स वो इसकी सबसे अच्छी लगी मुझे, क्योंकि भाई 2000 में इतनी अच्छी ग्राफिक्स के साथ कोई भी मतलब हेलमेट मैंने नहीं देखा है। एक इसका ही वेगा का बनी आता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसमें हॉट चीज़ें हो रखती हैं, लेकिन इसकी ग्राफिक्स एकदम नीट एंड क्लियर है। और भाई इसका जो चौथा मेरिट मैं बता दूं आपको, वो है इसका ग्लॉसी फिनिश में आना, क्योंकि भाई बहुत सारे हेलमेट्स होते हैं जो सिर्फ मतलब मेट फिनिश में ही आते हैं, ग्लॉसी फिनिश में नहीं आते हैं। और ये ग्लॉसी फिनिश होने के बावजूद ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि दूर से तुमसे कितने लोगों ने पूछा कि ये हेलमेट कितने का है? लगभग पूछे हैं, काफ़ी लोग पूछे हैं। तो भाई ये 2000 में इतना अच्छा हेलमेट है कि भाई काफ़ी लोग पूछते हैं इसको कि भाई ये कौन सा हेलमेट है और क्या है। अब आते हैं हम अपने एग्जॉर वेनमस पे। तो ये एग्जॉर वेनमस भाई ये मैंने लिया था 2 साल पहले, और ये मुझे पड़ा था अप्रॉक्स 5000 रुपये का। अभी इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन ये 5000 का अभी भी बिकता है। तो इसकी मैं अगर मेरिट्स बता दूँ सबसे पहले, तो इसमें भाई हमको मिल जाता है एंटी फॉग वाइजर, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया काम करता है मेरे लिए। भाई फॉग में मैं चाहे इसको यूज़ करूँ, चाहे मैं कैसे भी यूज़ करूँ, भाई बहुत बढ़िया वर्क करता है ये, सामने फॉग आने ही नहीं देता है। दूसरी चीज़ मैं इसमें बता दूँ, तो भाई इसकी आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, पूरा ये वेनम बेस पे है, इसमें आपको स्नेक की 2 आईज देखने को मिल जाएंगी। तो भाई इसमें सबसे बढ़िया चीज एक आपको दिखा दूं, आप थोड़ा क्लोज आइए कैमरामैन, तो ये देखिए इसमें भाई चश्मा काला कलर का देखने को मिलता है। भाई आपको अगर जैसे 100 रुपए या 200 रुपए बचाने काले चश्मा के, तो भाई ये जरूर लो, क्योंकि 200 रुपए आपके निश्चित बचेंगे इसमें। तो भाई इसमें ब्लैक ये आपको स्पेक्स देते हैं, ताकि आप अगर सन के उसमें चला रहे हैं बाइक, तो आपकी आंखों पे ज्यादा रोशनी ना पड़े, ताकि आप आगे जा कहीं घुसेड़ ना दे गाड़ी, तो इसके लिए ये भी दिया है इसमें। और तीसरी चीज भाई इसमें इसका स्पॉइलर दिया हुआ है, इसमें आगे भी स्पॉइलर दिया हुआ था, लेकिन मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि मुझे ये अपना माउंट लगाना था। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो माउंट की वीडियो नहीं देखी है कैसे मैंने लगाया, तो जाके आप देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भाई वेगा बोल्ट की पैडिंग की। तो भाई इसमें पैडिंग आपको दी जाती है वॉशेबल, आप इसको रिमूव करके इसको वॉश कर सकते हैं अच्छे से। और इसकी पैडिंग काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब 2000 के हिसाब से भाई काफी ज्यादा सॉफ्ट है, और काफी ज्यादा सही भी लग रही है मुझको, क्योंकि मैंने इसको 1-2 बार यूज भी किया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप 2000 में एक अच्छा हेलमेट ढूंढ रहे हैं, तो आप इसके लिए जा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाते हैं 3 से 4 से या 4 से 5 हज़ार के बीच में, तो इसमें आपको एग्जॉर मिल जाएगा। अगर आप इसका बिना ग्राफिक वाला एडिशन लेंगे, तो वो आपको 3800 या 4000 के बीच में मिल जाएगा आसानी से। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सारे स्पेक्स सेम रहते हैं, बस उसमें क्या मिलता है आपको, ग्राफिक्स नहीं मिलती है, वो प्योर ब्लैक या प्योर व्हाइट जैसा भी आप लेना चाहेंगे वैसे मिलेगा, ठीक है। और मैं बात कर लेता हूँ इसकी पैडिंग की, तो भाई इसकी पैडिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो रखी है, और ये मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक मैंने इसकी पैडिंग एक बार भी चेंज नहीं की है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। और इसको मैंने अभी तक एक बार बस वॉश किया है पूरा निकाल के, और
इसमें आपको मिल जाते हैं ये वाले लॉक सिस्टम, इसमें वो नॉर्मल वाला लॉक सिस्टम नहीं मिलता है, इसमें आपको चुटपुटिया वाली मिलती है भाई। भाई ये मुझे सही लगा है, और कहीं कहीं सही भी है, कहीं कहीं ये थोड़ा सा खराब भी है कि मुझे पहले इसमें डाल के फिर चुटपुटिया लगानी पड़ जाती है, कभी कभी वो मिलता नहीं है, तो ये भी है। भाई बात कर लेते हैं इसके सर्टिफिकेशन की, तो ये भाई डॉट सर्टिफाइड है और ये ईसी सर्टिफाइड और आईएसआई तो ये है ही, तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि भाई ईसी सर्टिफाइड मतलब यूरोप सर्टिफाइड वो होता है, और डॉट आपका ये जो होता है अमेरिकन सर्टिफिकेशन है, आईएसआई अपना इंडिया का है, तो भाई इसमें तीनों आपको सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं। और बात करते हैं वेगा की, तो इसमें बस आपको दो सर्टिफिकेशन मिलते हैं, डॉट के और आईएसआई के, लेकिन भाई डॉट का 2000 के अंदर सर्टिफिकेशन मिलना, वो भी इतने अच्छे ग्राफिक्स के साथ, भाई वर्थ इट है। भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आपको कौन सा हेलमेट अच्छा लगा, अगर आपका बजट 2000 है तो भाई वेगा बोल्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाते हैं अपना तो 5000 में आप एग्जॉर वेनमस जरूर लीजिए, भाई काफी तगड़ा हेलमेट है। तो इसी वीडियो को भाई यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय श्री राम।